नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, आज हम जानेंगे आपकी उंगलियों पर बनी रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है। आज तक अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने आज तक आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बताया है कि कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पर कई बार आप इन उंगलियों की रेखाओं को इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी लाभकारी रेखाएं आपके हाथ में ना हों, पर जो ये उंगलियों की रेखाएं हैं दोस्तों, उस कमी को पूरी कर देते हैं और जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है अगर आप इन रेखाओं के बारे में जान लें। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो कृपया ना करें। और ये बात हमने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताई है, पर फिर भी कुछ लोग इन नंबर के द्वारा उनके पास चले जाते हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो कृपया इनसे बचना है। और अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप हमें दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उंगलियों पर बनी रेखाओं के बारे में। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको जो ये चार उंगलियाँ होती हैं हमारी, इनमें से कम तीन उंगलियों के ऊपर ये रेखाएँ बननी जरूरी हैं, तभी ये आपके जीवन में असर करती हैं। और कैसे करती हैं वो आपको बताएंगे। और अगर ये चारों उंगलियों पे है दोस्तों तो ये तो और भी ज़्यादा चमत्कारी संकेत है, पर कम से कम हमें तीन पे तो देखना ही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाते हैं 2, 3, 4 कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में रेखाएं सेम तो नहीं होती। पर जो हम आज जानने जा रहे हैं वो है कुछ इस प्रकार कि अगर आपकी उंगलियों पे रेखाएं बनी हुई हैं तो ऐसे लोग काफ़ी नटखट होते हैं दोस्तों, मिलनसार होते हैं, मतलब कि इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा बड़ा होता है और इनका रिलेशनशिप चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो या फिर परिवार वालों के साथ हो, एक मजबूत बंधन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पर जहाँ पर ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है, वो ये कि ये दोस्तों दोस्ती में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इनके पास आता है तो इनके आकर्षण की वजह से आता है, इनकी बातों की वजह से आता है। पर जब भी बात आती है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की तो इनको परख नहीं होती या फिर इनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिस वजह से ये दोस्ती को समझ नहीं पाते हैं और आगे जाके इनको धोखा मिल सकता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि मेजॉरिटी ये है कि प्यार में या फिर रिलेशनशिप में इनको धोखा मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम इन रेखाओं से ये भी जान सकते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, मतलब आप बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे या फिर खुद के दम पे कोई कार्य करेंगे, तो जानने का क्या तरीका है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम जानेंगे करियर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पे ध्यान ये देना है कि जो आपकी अनामिका उंगली है, जिसे रिंग फिंगर कह देते हैं, जो आपकी मिडिल फिंगर है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दोस्तों, इन तीन उंगलियों को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। देखिए, अगर आपकी अनामिका उंगली, जिसे मिडिल फिंगर कह देते हैं, ये वाली उंगली दोस्तों आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है, पर इस हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से नीचे है या फिर ये कह लीजिए कि छोटी है। तो अगर आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब अभी तक करते आ रहे हैं, कोई नॉर्मल जॉब हो गई, छोटी मोटी कोई भी जॉब है, पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पाता है या फिर पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म उसे ना सोच के चलें। हाँ, खर्चा चलाने के लिए आप जॉब कर सकते हैं, पर एज ए साइड बिजनेस जरूर शुरू करें या फिर सीखना शुरू कर दें किसी नए कार्य के बारे में, या फिर आपकी कोई हॉबी है तो उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करें। अब इसके बाद जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं, वो कैसे, देखिए नौकरी के बारे में तो आपको बता दिया, पर अगर आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है दोस्तों तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अवश्य ही मौका मिलेगा, बस आपको मौका नहीं चूकना है, अगर मौका संभाल लिया तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। और इनके जीवन में आर्थिक तंगी रह सकती है, वो क्यों वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर इनकी रेखाओं के अकॉर्डिंग चलें जैसे कि इस हाथ में बनी हुई है तो इनके जीवन में बिजनेस का संकेत हमें नज़र आता है दोस्तों। वो कैसे, वो है इनकी भाग्य रेखा से।
वो कैसे, वो है इनकी भाग्य रेखा से, जिसे फेट लाइन भी कह देते हैं, देख सकते हैं वो जा रही है और वो बनता है इनकी भाग्य रेखा से जिसे और वो बनता है इनकी भाग्य रेखा से जिसे फेट लाइन भी कह देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो जा रही है इनके शनि पर्वत तक। और इस प्रकार से रेखा होना, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो जानते होंगे कि ये बनाता है बिजनेस का संकेत। पर अगर ये नौकरी में ही रहते हैं, ज़्यादातर उसे लंबा खींच रहे हैं नौकरी को, तो जैसे कि आपको बता रहे थे कि आर्थिक तंगी रहेगी, क्योंकि दोस्तों इनका जो शुक्र पर्वत है, अगर आप ध्यान से देखें शुक्र पर्वत पे रेखाएं हमें लेटी हुई नज़र आती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो इस प्रकार शुक्र पर्वत पे हो, तो आपके जीवन में 30 साल की उम्र तक आर्थिक तंगी रहती है। मतलब आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, और आपकी कमाई अगर 100% है एक महीने में, तो महीना ख़त्म होते होते उसमें से 5 या 10% ही बच पाता है, और कई बार तो वो भी नहीं बचता है, और लोन की भी दिक्कत रहती है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आर्थिक तंगी को दिखाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप खूब सारा धन कमाना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो खुद के दम पे कोई कार्य जरूर शुरू करें, तभी आपके जीवन में प्रगति होगी। नहीं तो आपके जीवन में अगर नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, तो नौकरी तो एक ऐसी चीज़ है जो तरक्की करने नहीं देती पर भूखा भी नहीं मरने देती, पर इस चीज़ का फ़ायदा हमें ज़्यादा नहीं मिल पाता है और हम सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो रेखाएं थी उंगलियों पे बनाई हुई आपको दिखाई, ये छोटी छोटी रेखाएं थी, कई बार ये रेखाएं लंबी भी होती हैं, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक फीमेल हैंड है और इनके जीवन में सरकारी जॉब का एक अच्छा खासा मौका हमें नज़र आता है। वो कैसे, देखिए जैसे कि आपको पहले वाले हाथ की फ़ोटो में दिखाया, वहाँ पर वो कुछ इस प्रकार छोटी छोटी रेखाएं थी, मतलब हिस्सों में डिवाइडेड थी वर्टिकल लाइन्स, पर यहाँ पर जो रेखाएं हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, लंबी लंबी हमें रेखाएं नज़र आती हैं। मतलब कि इस प्रकार से रेखाएं होना बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथ में इस प्रकार से रेखाएं देखी जाती हैं। और ऊपर से इनके सूर्य पर्वत पे भी हमें एक रेखा नज़र आती है, तो ये इस चीज़ को और भी ज़्यादा पक्की कर देती है, इस पॉसिबिलिटी को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी के चांसेस हैं, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। और जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेखाएं हर किसी के हाथ में सेम नहीं होती, और अगर किसी के हाथ में वो रेखा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे हाथ में भी हमें वो रेखा नज़र आ जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये हाथ की फ़ोटो। यहाँ पर आप देखिए इनकी इन उंगलियों पर हमें किसी प्रकार की कोई रेखा नज़र नहीं आती है, जैसे कि आपको पहले दो उंगलियों में बना के दिखाई। तो इनके साथ क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इनके जीवन में इनको कैसे मौका मिलता है? तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन रेखाओं को ही एनालाइज करें, हमारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं जिनको आप एनालाइज करके प्रडिक्शन कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर की। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक और हाथ की फ़ोटो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हमें वो रेखाएँ नज़र नहीं आती हैं कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि आप इन रेखाओं को ही एनालाइज करें, हमारे पास और भी रेखाएं हैं हमारे हाथ में। जैसे कि आपको बताते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक क्लियर मनी ट्रायंगल का साइन बन रहा है। तो अगर क्या हुआ ये रेखाएं नहीं हैं, तो जैसे कि आपको अभी बताया क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये रेखाएँ नहीं हैं, हमारे पास दूसरी रेखाएँ हैं, अगर इनके हाथ के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो रेखाएं यहाँ पर जो प्रेडिक्शन निकाल के लाती हैं वो ये हैं कि मनी ट्रायंगल का साइन 30 से 40 साल की उम्र में बड़े धन लाभ कमाने का योग बनाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया, हम और रेखाओं से भी हमारी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर आप मनी ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वीडियो देख सकते हैं, विस्तार से आप जान पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ आपकी हाथ की उंगलियों पर बनी रेखाओं के बारे में और इनके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में। अगर जो भी मैंने ये बातें बताई आपकी लाइफ से मैच कर रही हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अमेजोन से कुछ भी मंगवाना चाहते हैं, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। यह आपका छोटा सा योगदान हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा और आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। और इसी के साथ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।